दोस्तों सीआईडी सीरियल में अभिजीत और दया दोनों ही एक ऐसी कड़ी हैं जिसके बिना किसी भी मुश्किल को हल कर पाना काफ़ी मुश्किल है। आपने सीरियल में तो इनकी दोस्ती देखी ही होगी, लेकिन आपने कभी इन्हें रियल लाइफ में एक साथ देखा है? क्या आपने कभी सोचा है कि किसके पास कितनी संपत्ति है और किसका खर्च यानी नेटवर्थ किससे ज़्यादा है? तो आज हम आपको इन दोनों बहादुर ऑफिसर्स की संपत्ति के बारे में बताएंगे। अगर आप भी इनके किरदार को करते हैं पसंद तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों अभिजीत अपनी होशियारी और बहादुरी से केस सॉल्व करने से जाने जाते हैं। ये मुंबई महाराष्ट्र में एक आलीशान हाउस में अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। आप इन तस्वीरों में इनके घर की झलक देख सकते हैं। आपको बता दें इनके इस घर की कीमत करोड़ों में है। दोस्तों अभिजीत के पास एक फॉर्च्यूनर जिसकी कीमत 40 लाख रुपए और एक मारुति सियाज जिसकी कीमत 8 से 10 लाख रुपए है। इसके अलावा अधिक का नेटवर्थ 11 मिलियन यूएस डॉलर यानी 80 करोड़ रुपए है। वहीं अगर बात करें दया की तो ये सीआईडी में अपने मजबूत बदन और हिम्मत से दरवाजे तोड़ने के किरदार से जाने जाते हैं। आपको बता दें दया अपनी फैमिली के साथ मलाड वेस्ट मुंबई में एक आलीशान घर में रहते हैं जिसकी कीमत करोड़ों में है। और आप इन फोटोज़ में इनके घर की कुछ झलक देख सकते हैं। दया के पास एक मिनी कूपर जिसकी कीमत 38 लाख रुपए और एक होंडा सिटी कार जिसकी कीमत 10 लाख रुपए है। वहीं अगर बात करें दया के नेटवर्थ की तो इनका नेटवर्थ 15 मिलियन यूएस डॉलर यानी 110 करोड़ रुपए है। तो दोस्तों ये थी सीआईडी सीरियल के दया और अभिजीत की संपत्ति। आप दया और अभिजीत में से किसको पसंद करते हैं कॉमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएँ।